मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दुष्कर्म जैसी घटनाओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला कनाड़े थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो बच्ची को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक नाबालिग पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने पहले उसके साथ प्रेम प्रसंग किया और फिर पीड़िता से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता ने शादी करने के लिए उसे दबाव बनाया तब युवक ने उसे चाकू मारकर उस पर हमला कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर कनाड़िया पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक पुलिस को एक सूचना मिली कि एक लड़की के साथ जो है एक व्यक्ति जो लड़का है वो उनके उसके साथ जो है शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बना रहा था काफ़ी दिनों से, और उसके बाद फिर किसी बात पे उनका विवाद हुआ तो उसने चाकू से हमला भी किया। जब पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इस पर तत्काल जो है अपराध 376/324 व अन्य IPC के अन्य धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया। इसके बाद फिर पुलिस ने जो आरोपी जिसके खिलाफ जो शिकायत हुई है अपराध पंजीबद्ध हुआ, उसको आरोपी को राउंड अप किया गया और इसके बाद फिर माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें अभी आरोपी जो है और पीड़िता दोनों एक दूसरे से परिचित थे और बाकी जानकारी अपन इसके बारे में तस्दीक कर रहे हैं।